हाय गाइस, अगर आप आईफोन 15 या फिर S24 खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। बेसिकली मैं आपको जो हूँ दोनों फोन के एडवांटेजेस बता दूंगा, जो भी फीचर लगे आपको कि आपकी लाइफ में बेस्ट तरीके से फिट होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक फोन खरीद सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली ये दोनों फोन अपनी जगह पे बहुत फैंटास्टिक है। स्टिल कंक्लूजन में हेल्प करूंगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा फोन है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डिजाइन के बारे में बात करूं ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैमसंग ने ऐसी डिजाइन लैंग्वेज दे दी है अपने फोन को जो कि लाइक आईफोन से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। इतने सिमिलर है कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो मैं आपको भी बताने। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों फोन इक्वली प्रीमियम है, लेकिन ना डिफरेंस मुझे ये फील हुआ कि S24 की जो साइड्स है, जो एजेस है, वो बहुत ज्यादा शार्प है। इसकी वजह से जब भी आप फोन को होल्ड करते हो ना तो आपको शार्पनेस फील होती है। जबकि आईफोन 15 की बात करूं तो इसकी जो एजेस है ना वो एप्पल ने स्मूथ कर दिए है, तो इसको लाइक होल्ड करने में ना एक स्मूथ फीलिंग आती है और हल्का सा लाइटर भी फील होता है। और ये सब तब हो रहा है जब दोनों फोन जो है बॉक्सी फ्रेम के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और जब मैंने दोनों फोन की बेसिक चीजों को भी कंपेयर किया ना, वो भी बहुत सिमिलर है। जैसे कि स्पीकर्स लगा लो, बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, बस ये है कि आईफोन में बेस थोड़ा सा ज्यादा फील हुआ, बट नीटपिकिंग करके मैं बता रहा हूँ। और दोनों ही फोन में IP68 रेटिंग मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हैप्टिक फीडबैक है या फिर वाइब्रेशन मोटर की बात करूं तो यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब मैं कीबोर्ड पर टाइपिंग करता हूं तो मुझे जो है सैमसंग के हैप्टिक्स पसंद आते हैं, बट अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं या जब कॉल भी जो वाइब्रेशन वाली होती है वो मुझे आईफोन का बेटर लगता है। बट इन दोनों फोन में ना एक टेक्निकल डिफरेंस है। जो आईफोन 15 है ना, इसका टाइप सी पोर्ट जो है USB 2.0 के स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो ज्यादा स्पीड नहीं है अगर आप डाटा ट्रांसफर करने गए तो। जबकि S24 जो है हाई स्पीड वाला टाइप सी 3.2 यूज करता है, जो कि अगर आप SSD कनेक्ट करोगे बहुत फास्ट रहता है डाटा ट्रांसफर। और इन दोनों फोन में एक एक एडवांटेज भी है। जैसे कि ये जो S24 है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है, बहुत अच्छा ग्लास है, ये स्ट्रॉन्ग है। और पर्सनली मुझे आईफोन 15 में जो म्यूट स्विच है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल और कन्वीनियंट लगता है, बिना फोन को ऑन करे वाइब्रेट या रिंग हो जाता है। बाकी यार दोनों ब्रांड जो है ना बहुत सालों से सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, मतलब सैमसंग जो है आज भी फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहा है, नो डाउट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, हर केस में खुल जाता है। जबकि एप्पल जो है बहुत टाइम से फेस अनलॉक दे रहा है। हाँ कभी कभी होता है कि फेस अनलॉक सही से काम नहीं करता, बट यार ये भी बहुत ज्यादा इजी टू यूज होता है। अब आपको ना मैं डिस्प्ले के डिफरेंसेस बताता हूँ। देखो यहाँ पर स्क्रीन साइज में बहुत मामूली डिफरेंस है। S24 जो है 6.2 इंच है तो आईफोन 15 6.1 इंच है। और जो आईफोन है वो OLED डिस्प्ले के साथ आता है तो सैमसंग AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। बट तीन बड़े डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए। देखो पहली बात तो मैं यही बोलूंगा, आज के टाइम पे हाई रिफ्रेश रेट मेरे हिसाब से मैंडेटरी हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एप्पल नहीं दे रहा 60Hz होना, एक डाउनसाइड है। जबकि S24 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो वो जो स्मूथ स्क्रॉलिंग है ना वो एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है जो कि मेरे हिसाब से एप्पल को भी करना चाहिए। इनफैक्ट टेक्निकली के एडवांस लेवल पे भी बात करूं तो S24 में तो जो है प्रॉपर LTPO पैनल है, तो जो 1Hz से 120Hz तक जा सकता है और एप्पल 60Hz पे रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से हाईलाइट होनी चाहिए। खैर सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो वो जो है ब्राइटनेस में आ जाता है। देखो एप्पल जो है 2000 nits की ब्राइटनेस देता है तो S24 जो है 2600 nits की ब्राइटनेस देता है। और जब पहली बार मैंने स्पेक्स पढ़े थे मुझे लगा था कि आउटडोर जब मैं डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन को यूज करूंगा वहां पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, दोनों फोन जो है इक्वली ब्राइट और रीडेबल होते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। बट पता है असली डिफरेंस कहां आता है? जब आप HDR कंटेंट देखते हो। मैं नेटफ्लिक्स पे ARPANET देख रहा था और नो डाउट यहां पर S24 ज्यादा ब्राइट फील होता है तो उसका आउटपुट भी बेटर लगता है। और थर्ड बड़ा डिफरेंस ये है कि जो S24 है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि आईफोन 15 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलती। और फन फैक्ट, अगर मैं S24 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करता हूं तो बैटरी तो देखो जाती है, थोड़ा हैम्पर होता है, बट एटलीस्ट सैमसंग ने फीचर दिया तो सही, और ऊपर से पूरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर प्रीटी मच क्लियर है कि S24 जो ऑब्वियसली लीड लेके जाता है। बट आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, 60Hz रिफ्रेश रेट होने की वजह से आईफोन में बैटरी डिपार्टमेंट भी इसको बहुत हेल्प कर जाता है। देखो हाई रिफ्रेश रेट जो है बैटरी भी खर्च करता है, तो मैंने देखा है कि S24 और आईफोन 15 को जब भी मैं कंपेयर करता हूँ ना, देखो बेसिकली दोनों फोन जो है फुल डे बैटरी लाइफ दे देते हैं, वहां दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ आईफोन 15 की बैटरी ज्यादा रिलायबल है, मुझे ऐसा लगा। खैर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पर S24 है, बट वो भी कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। खैर बेसिकली दोनों फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे 45W से कम चार्जिंग फास्ट नहीं बोली जाती। बस बैटरी में एक ही डिफरेंस है कि S24 में जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो अगर आप गैलेक्सी वॉच यूज करते हो तो फोन से ही चार्ज हो जाएगी वो, या फिर TWS, नो डाउट हैंडी फीचर है,
बट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं। अब आते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पे, जो है दोनों फोन का सॉफ्टवेयर। देखो हर साल मैं आपको एक बहुत सिंपल सी गाइड देता आया हूँ कि जब भी iOS वर्सेस एंड्रॉइड की बात होती है ना, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उसमें आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी UI बेटर है। बट इस साल सब चेंज हो चुका है लिटरली। पता नहीं कैसे सैमसंग ने इस साल अपनी One UI को कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव कर दिया है। देखो हर साल मैं आपको बताता था ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस iPhone में मिलता है, बट अब S24 भी पीछे नहीं है। चाहे फिर मैं S24 की एनिमेशंस की बात करूं, इनफैक्ट अभी तो S24 लॉन्च हुआ है, इसमें ऐसे बग्स भी नहीं देखने को मिले हैं मुझे एक भी, जो कि एक तरीके से iPhone जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और ये बहुत शॉकिंग बात है, इतना यूजुअल नहीं था पहले सब। इनफैक्ट सबसे क्रेजी पार्ट तो तब आता है जब हम सैमसंग के AI फीचर्स देखते हैं। मतलब कुछ भी अगर आप टाइप करोगे, आपको ग्रामर की टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की भी टेंशन नहीं होगी, सैमसंग कीबोर्ड में AI उस चीज को हैंडल कर लेगा एक टैप में। इनफैक्ट AI का सबसे बेस्ट यूज पता कब होता है? अगर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है और बस मुझे टैप एंड होल्ड करना है, वो स्लो मोशन बन जाएगी AI की मदद से। या फिर कॉल्स की बात करते हैं, अगर आपके पास कोई कॉल आई है, आप कॉल असिस्ट ट्राई कर सकते हो, ये ट्रांसलेट कर देगा भाई ये रियल टाइम में। अगर सामने से कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, रियल टाइम में इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे AI फीचर्स जगह जगह पे सैमसंग ने डाले हुए हैं। मैंने S24 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज जाके देखना, आपको पूरा पता लगेगा। और जितने भी AI फीचर्स है, iPhone के पास इन सब का जवाब नहीं है। iPhone जो है जस्ट एक सिंपल स्टेबल एक्सपीरियंस देता है, बट सेम टाइम पे इतने सालों में एप्पल ने जो है इकोसिस्टम क्रिएट करा है। अगर आप एयरफोन्स यूज करते हो एप्पल के, बहुत इजी रहता है, लाइक वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे एप्पल के कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे फिर वो एप्पल टीवी हो या फिर उनके लैपटॉप हो। पर एंड्रॉइड के क्विक शेयर से कंपेयर करूं मैं एप्पल की एयरड्रॉप को, वो बहुत ज्यादा फास्ट है यार, फाइल ट्रांसफर बहुत ईजी रहता है। इनफैक्ट आईफोन को तो हम वेबकैम भी बना सकते हैं अगर आपके पास मैक है तो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एंड्रॉइड अभी तक नहीं कर पाया बट एप्पल ने कर रखा है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। अगर आपके पास बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली तब आईफोन सेंस बनाता है। बट अगर आपको AI यूज करनी है, वहां पर S24 बहुत बड़ी लीड लेके जा रहा है। बट हां, ये भी मत मिस करना कि सैमसंग के पास भी अपना इकोसिस्टम है, बस हां वो और बेटर और बड़ा हो सकता है अभी। और अब है ना, मैं आपको दोनों फोन की परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो जो आईफोन 15 है ना, वो A16 बायोनिक प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 6GB की रैम है और 128GB की स्टोरेज है। और अगर सैमसंग S24 की बात करूं, तो यहां पर एक्सिनस 2400 प्रोसेसर है और 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बड़े नंबर वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन में कितना डिफरेंस आ जाता है। देखो दोनों फोन के बेंचमार्क जब कंपेयर करते हैं ना, तो जैसे कि N22 की बात करते हैं, यहां पर S24 जो है बहुत बड़ी लीड लेके जाता है। और Geekbench की बात की जाए, तो यहां पर सिंगल कोर स्कोर में iPhone बेटर है, जबकि मल्टी कोर स्कोर में छोटी सी लीड जो है S24 लेके जाता है। बट एक कंपैरिजन इंटरेस्टिंग तब होता है जब हम 3DMark का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट को देखते हैं, क्योंकि यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि S24 जो है बहुत ज्यादा केपेबल है, जैसे कि लूप स्कोर्स में आप देख सकते हो। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है जब हम रे ट्रेसिंग का टेस्ट करते हैं, तो आईफोन 15 के मुकाबले S24 जो है डबल परफॉर्म कर पाता है। और ये सेम बात जो है डिस्क स्पीड टेस्ट के लिए भी बोली जा सकती है, जहां पर रीड और राइट स्पीड डबल है आईफोन के मुकाबले। तो नो डाउट यहां से इतना तो समझ में आता है, जब नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पर S24 अपर एंड पे रहता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वहां पर डिफरेंट है थोड़ी स्टोरी। जैसे कि गेमिंग के एग्जांपल समझाता हूं। देखो जब मैं दोनों फोन में COD या BGMI खेलता हूं, तो दोनों फोन जो है कंसिस्टेंट 60 FPS दे देते हैं। बट जब हम बहुत हेवी गेम्स की बात करते हैं, जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, देखो ग्राफिक्स दोनों फोन में सिमिलर दिखते हैं, बट जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए गेम प्ले होता है ना, तो हीटिंग बेटर तरीके से आईफोन 15 कंट्रोल कर पाता है। देखो सिंपली यहां से पता लगता है कि ऑप्टिमाइजेशन जो है आईफोन में बेटर है। जैसे कि लगातार बहुत सारी फोटोज या फिर वीडियोज हम कैप्चर कर रहे हैं, तब भी जो है ना सैमसंग हल्का सा वार्म हो जाएगा, जबकि आईफोन थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। देखो सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता हूं कि जो S24 जो है ना, नो डाउट इसके पास नंबर्स है, इसके पास रो पावर है। हो सकता है फ्यूचर में सैमसंग इसको पूरा यूटिलाइज कर जाए और थोड़ा लंबे समय के लिए फोन सेंसेबल लगे, बट सेम टाइम पे हम भूल नहीं सकते कि एप्पल जो है अपने फोन्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, एक एक चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। तो भाई अपनी जगह पे दोनों फोन एक्सीलेंट परफॉर्म कर जाते हैं। बट यार इसके पीछे ना टेक्निकल रीजन भी है कि एप्पल का प्रोसेसर ज्यादा ऑप्टिमाइज क्यों है। देखो जो आईफोन 15 में प्रोसेसर लगा हुआ है ना, ये 2022 में आया था, और 2022 से लेके अभी तक जो गेम डेवलपर्स है ना, उनके पास बहुत टाइम था इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करने को गेम को, जबकि S24 के पास रॉ पावर है, बट अभी तक गेम डेवलपर्स ने इसको फुली तरीके से यूटिलाइज नहीं करा है। अब ये देखो टाइम के साथ पता लगेगा कि ये प्रोसेसर कितना सही तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। बट नो डाउट परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो दोनों जो है एक्सीलेंट प्रोसेसर है, अगर आज के हिसाब से देखो तो। फाइनली मैं आपको कैमरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोनों फोन का। देखो आईफोन 15 जो है 48+12
मेगापिक्सल सेटअप के साथ आता है, इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है। और ये जो S24 है 50+10+12 के सेटअप के साथ आता है, जिसमें से 10 मेगापिक्सल वाला जो है 3x ऑप्टिकल जूम लेकर आता है। देखो बहुत सारी फोटोज मैंने खींची है इन दोनों फोन से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरे नोटिस में तो ये आया है क्योंकि आईफोन 15 जो है 24 मेगापिक्सल पे फोटो कैप्चर करता है, तो वहां पर थोड़ी ज्यादा डिटेल दिख जाती है। सेकंड चीज मैंने ये नोटिस करी, दोनों फोन का ना HDR को प्रोसेस करने का तरीका एकदम अलग है। आईफोन जो है ना ब्राइट एरियाज को बहुत रियलिस्टिक रखने की कोशिश करता है, जबकि सैमसंग जो है ना ब्राइट और डार्क एरियाज को बैलेंस करने की कोशिश करता है। बट कलर्स की सिचुएशन इस साल एकदम अलग है, दोनों फोन जो है ना एकदम नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं भाई, और ये बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, आज भी सैमसंग जो एक हिंट ऑफ सैचुरेशन देता है, और यही सारी सेम बातें जो है ना मैं स्किन टोन के बारे में भी बोल सकता हूँ। बट पता है दोनों फोन में मुझे एक एरर देखने को मिला कि अगर हम थोड़ी सी वार्म फोटो खींचने जाते हैं ना तो आईफोन उसको और ज्यादा वार्म कर देता है, जबकि सैमसंग उस वार्म फोटो को थोड़ा कूल करने की कोशिश करता है। बाकी दोनों फोन की अगर मैं जूम के बारे में बात करूं तो देखो सैमसंग के पास डेडिकेटेड लेंस है, आईफोन जो है डिजिटल जूम करता है, और दोनों फोटो को नॉर्मली देखा जाए ना तो बहुत सिमिलर लगते हैं, बट जैसे ही किसी एरिया पे आप जूम करोगे ना तो ज्यादा डिटेल सैमसंग में दिखती है। और पोर्ट्रेट फोटोज में एक बात तो क्लियरली पता लगती है कि ज्यादा वाइब्रेंट जो है सैमसंग कैप्चर करता है स्किन स्मूथ के साथ, जबकि आईफोन में ज्यादा नेचुरल कलर्स होते हैं और डिटेल थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यार जब मैंने अल्ट्रा वाइड कंपेयर किया तो ऑनेस्टली मुझे कोई बहुत सारा डिफरेंसेस नहीं दिखे, तो क्या ही नीट पिकिंग करके बताऊं। बट हाँ, क्लियर डिफरेंसेस नाइट मोड में दिखते हैं, जो मुझे थोड़ा सा आईफोन का बेटर लगा है, क्योंकि नॉइज बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखी है आईफोन ने। बाकी यार दोनों फोन का जो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, मुझे लगता है दोनों अच्छी फोटोज खींचता है। हो सकता है कुछ लोगों को आईफोन पसंद आए और कुछ लोगों को सैमसंग। खैर वीडियो की बात करते हैं, और बहुत टाइम से जो है ना आईफोन वीडियो के एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे लेकर आ रहा है, मतलब जिस तरीके की कलर प्रोसेसिंग वो करता है, स्टेबलाइजेशन जो लेकर आता है, नो डाउट इस साल भी मुझे लग रहा है कि आईफोन 15 बेटर S24 के मुकाबले वीडियो में, और सिमिलर बात मैं फ्रंट वीडियो के लिए भी बोल सकता हूँ। तो चीजों को अब और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सब सम अप करके समझने की कोशिश करते हैं कि कंक्लूजन क्या है, आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है। देखो पहले बताता हूँ S24 किसको खरीदना चाहिए। देखो अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट मैटर करता है, या फिर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, या फिर परफॉर्मेंस में ज्यादा बड़े नंबर चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको AI फीचर्स बहुत हेल्पफुल लगे अपने लाइफ में, तो मेरे हिसाब से S24 आपके लिए गुड चॉइस रह सकती है, क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि आपको टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो वो S24 में पैक्ड है। और आईफोन 15 पता है किन लोगों के लिए अच्छा है, जिनको 60Hz रिफ्रेश रेट मैटर नहीं करता, जिनको iOS चाहिए क्योंकि वो इकोसिस्टम एंजॉय करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईफोन के लिए, क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि आप सेफ फोन लेना चाहते हो जो बहुत ज्यादा रिलायबल हो, तो उस केस में इसलिए आईफोन 15 सजेस्ट किया। तो ये थे मेरी पूरी एनालिसिस और मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो इस पूरी सिचुएशन के बारे में, मतलब S24 खरीदोगे आप या फिर आईफोन 15? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जाना, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।